तो इसमें देखिए आप गेम देख सकते हैं कैसे बीच में एक लाइन खींचा हुआ है और उस पे लिखा हुआ है प्रेस स्पेस टू सर्व, और इस साइड भी जीरो है, इस साइड भी जीरो स्कोर है। तो ये सब कोडिंग करने के लिए हमको क्या करना होगा देखते हैं। पहले तो हमें क्या करना होगा, पैडल सेट करना होगा, उसके बाद कंप्यूटर का पैडल सेट करना होगा। एक साइड तो आप खेल रहे होते हैं और दूसरे साइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्प किया हुआ कंप्यूटर आपके साथ खेल रहा होता है। तो इसके लिए एक पोंग बॉल होना चाहिए और उस पोंग बॉल का हाइट विड्थ साइज हम सेट करेंगे, कितना साइज का होना है। बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हैं वाइट है, तो ये सब हम सेट करेंगे। सेट करेंगे कैसे, आपका जीरो स्कोर रहता है तो वो दिखाता है कि आप गेम स्टार्ट करने के लिए स्पेस क्लिक कीजिए। फिर जैसे ही आप गेम स्टार्ट करते हैं और हिट करते हैं बॉल को, तो वो जीरो से स्कोर बढ़ता है। तो इसके लिए हम लूप लगाएंगे, ये सब हम देखेंगे कैसे करते हैं इसका कोडिंग। उसके बाद क्या होता है, जब आपका गेम ओवर हो जाता है तो कैसे एक अलाइनमेंट पर वो टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा कि हाँ आपका गेम ओवर हो गया है। अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं गेम को तो ये चीज़ क्लिक कीजिए, अगर आप चाह रहे हैं नहीं खेलना तो एग्ज़िट कीजिए। ये सब हम देखते हैं कैसे कोड होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्रिएट ए यूज़र पैडल स्प्राइट है। यहाँ आप क्या करते हैं, एक पैडल स्प्राइट को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, VAR वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़र पैडल, और उसमें इज इक्वल टू सेट करते हैं क्रिएट स्प्राइट में 390 200। सी हेयर हाउ टू राइट कोड ऑफ पिंग पोंग बॉल। वी हैव टू राइट फर्स्ट क्रिएट एज स्प्राइट्स, इट इज इज फंक्शन टू सेट अप एज स्प्राइट्स। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू क्रिएट पैडल स्प्राइट, यूजर पैडल स्प्राइट। सो राइट वेरिएबल VAR यूजर पैडल, वी हैव टू पुट नेम ऑफ वेरिएबल दैट इज यूजर पैडल इज इक्वल टू क्रिएट स्प्राइट, एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कीपिंग वैल्यूज लाइक 390, 200, 10, 70। ऑल दीज आर फॉर सेटिंग द पैडल स्प्राइट साइज 390, 200, दैट इज विड्थ एंड हाइट एंड फ्रॉम अप एंड डाउन इट्स साइज लोकेटिंग। आफ्टर दैट हाउ टू क्रिएट ए कंप्यूटर पैडल स्प्राइट। सो फॉर कंप्यूटर पैडल स्प्राइट वी टेक वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल इज कंप्यूटर पैडल इज इक्वल टू क्रिएट स्प्राइट। अगेन वी आर पुटिंग फोर वैल्यूज फॉर दैट साइज, विड्थ, लेंथ, हाइट एंड अप एंड डाउन वैल्यूज लाइक 10, 200, 10, 70। फॉर क्रिएटिंग द पोंग बॉल, फॉर पोंग बॉल टू डिस्प्ले वी टेक वेरिएबल एज बॉल। सो डिक्लेयर इट एज VAR स्पेस बॉल इज इक्वल टू क्रिएट स्प्राइट एंड इन वैल्यू वी पुट 200, 200, 12, 12, ओके सेमी कॉलोन। सेमी कॉलोन इज यूज फॉर टर्मिनेटिंग। आफ्टर दैट वी अगेन पुट वेर वेरिएबल कंप्यूटर स्कोर इज इक्वल टू जीरो। इन स्टार्टिंग व्हेन वी आर स्टार्टिंग आवर गेम देन स्कोर विल बी जीरो, इट इज कंप्यूटर स्कोर। सेकेंड इज प्लेयर स्कोर, लाइक हेयर टू पीपल आर प्लेइंग दिस गेम, इन दैट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज ऑटोमेटिक कंप्यूटर इज प्लेइंग विथ यू, एंड सेकेंड इज प्लेयर। सो हेयर वी पुट वेरिएबल कंप्यूटर स्कोर इज इक्वल टू जीरो एंड प्लेयर स्कोर इज इक्वल टू जीरो एट फर्स्ट व्हेन गेम हैज नॉट स्टार्टेड। अगेन वेयर गेम स्टेट इज इक्वल टू सर्व, व्हेन यू आर सर्विंग द बॉल देन इट विल कम टू वेरिएबल गेम स्टेट इज इक्वल टू सर्व सेमी कोलोन। आफ्टर दैट वी आर क्रिएटिंग फंक्शन, वॉट फंक्शन, ड्रॉ फंक्शन। सो वी विल राइट फंक्शन ड्रॉ, फॉर दैट फिल द कंप्यूटर स्क्रीन विथ वाइट कलर।
विच डिस्प्ले यू आर सीइंग ड्यूरिंग प्लेइंग दैट बैकग्राउंड कलर वी आर सेटिंग टू वाइट. सो राइट कोड बैकग्राउंड ब्रैकेट डबल कोड में वाइट ओके सेमी कोलोन. फॉर डिस्प्लेइंग स्कोर हाउ मच यू प्ले एंड स्कोर योर. सो आई विल राइट टेक्स्ट कंप्यूटर स्कोर कॉमा 170 कॉमा 20 सेमी कोलोन एंड टेक्स्ट प्लेयर स्कोर वॉट एवर स्कोर यू हैव गॉट 230 कॉमा 20. दिस इज द साइज ओके एंड टेक्स्ट वी आर डिस्प्लेइंग ऑन स्कोर. सो इट विल डिस्प्ले द स्कोर वॉट एवर यू हैव गॉट ड्यूरिंग प्लेइंग द गेम. फॉर ड्रॉ डॉटेड लाइन्स लाइक इन गेम यू विल सी इन बिटवीन देयर इज डॉटेड लाइन. सो फॉर ड्रॉइंग दैट डॉटेड लाइन वी हैव टू गिव अ फॉर लूप ओके. फॉर लूप इन फॉर लूप वी आर डिक्लेयरिंग वेयर आई इज इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन 400 एंड आई प्लस इज इक्वल टू 20. हेयर अप टू 400 आई विल बी इंक्रीजेज एंड हाउ इट इज इंक्रीजेज आई प्लस इज इक्वल टू 200 एंड वी आर क्रिएटिंग लाइन एंड इन लाइन वी आर डिक्लेयरिंग 200 कॉमा आई कॉमा 200 कॉमा आई प्लस 10. दैट इज शोइंग दैट फर्स्ट टाइम आई विल बी जीरो एंड आफ्टर दैट आई विल बी प्लस 10. लाइक फर्स्ट टाइम इट विल जीरो देन 10 देन 20 देन 30 एंड अप टू 400 इट विल शो. सो यू कैन सी वी पुट 390 200 कॉमा 10 कॉमा 70 as it is showing width, height and from up and down size. Create a computer paddle sprite. For that we are using variable var computer paddle is equal to create sprite. Again we are declaring the value which is for width, height and up and down value. That is from x axis, y axis से कितना दूरी है वो दिखाएंगे तो value डाल रहे हैं हम. फिर फॉर क्रिएटिंग द पोंग बॉल सो वेरिएबल क्रिएट स्प्राइट अगेन वी आर पुटिंग वैल्यूज. अब हम देखते हैं कंप्यूटर स्कोर जब हम गेम स्टार्ट करेंगे सो देयर स्कोर विल बी फर्स्ट टाइम जीरो. सो वी आर पुटिंग वेरिएबल कंप्यूटर स्कोर इज इक्वल टू जीरो. अगेन प्लेयर स्कोर मीन्स there are two player, one is computer and one is the other member like you or me. So variable player score will be also at first time zero. So we are setting here again variable game state is equal to double quote में serve लिखेंगे. मतलब first time हमें game खेलने के लिए serve करना होगा. After that function draw function use कर रहा है जिसके अंदर हम क्या set कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर को वाइट में रख रहे हैं जो कि आप देखे थे गेम का डिस्प्ले बैकग्राउंड कलर वाइट था. उसके बाद कैसे हम डिस्प्ले करेंगे स्कोर को जो भी गेम में बॉल खेलने के बाद स्कोर बढ़ेगा उसको हम कैसे कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं तो लिखेंगे टेक्स्ट कंप्यूटर स्कोर कॉमा 170 कॉमा 20. जो भी कंप्यूटर स्कोर करेगा उसको हम 170 क्या है मतलब उस स्क्रीन पर ये साइज टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर रहा है वो टेक्स्ट किस जगह डिस्प्ले होगा 170 डेट इज़ एक्स वैल्यू एंड 20 डेट इज़ वाई वैल्यू. और फिर टेक्स्ट प्लेयर स्कोर का सेट कर रहा है तो टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा प्लेयर स्कोर कॉमा 230 कॉमा 20. मतलब ये क्या है प्ले स्कोर जो भी स्कोर रहेगा उसको 230 और 20 के अलाइनमेंट पर डेट इज एक्स पोजीशन एंड वाई पोजीशन वहाँ शो करेगा. उसके बाद क्या है बीच में जो ड्रॉ डॉटेड लाइंस कैसे क्रिएट करना है उसके लिए हम फॉर लूप लगाएंगे. वेरिएबल आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन 400 एंड आई प्लस इज इक्वल टू 20. यहाँ वेरिएबल आई को ज़ीरो से इनिशिएट करके कहाँ तक चलाना है अप टू लेस देन 400 तक. और ये कैसे इंक्रीज करेगा मतलब 20 20 के
स्पेस में इंक्रीज करेगा, जैसे फर्स्ट आई वैल्यू विल बी 0, आफ्टर दैट 20, देन आफ्टर दैट 40, ऐसे इंक्रीज होगा। और लाइन क्या सेट कर रहे हैं, 200 कॉमा आई कॉमा 20 कॉमा आई प्लस 10, लाइन का जो हम सेट कर रहे हैं, तो यहाँ विड्थ क्या है 200, हाइट क्या है आई, आई का वैल्यू हमारा जो भी रहेगा जैसे 0 20 40 ऐसे इंक्रीज होते जाएगा, और 200, 200 क्या है अप वैल्यू, मतलब वो स्क्रीन का जो अप वैल्यू रहेगा एक्स एक्सिस से वो शो करेगा, और डाउन वैल्यू मतलब बॉटम से जो स्पेस रहेगा उसका विड्थ क्या सेट कर रहे हैं आई प्लस 10, मतलब हर बार ये 10 इंक्रीज करेगा जो भी आई वैल्यू रहेगा, जैसे आई अभी 0 है तो वो वैल्यू क्या होगा 10, जब आई 20 रहेगा तो वो वैल्यू क्या रहेगा 20 प्लस 10 30, ऐसे वो ऑटोमेटिक इंक्रीज करते रहेगा, कब तक, जब तक कि आई वैल्यू लेस देन 400 नहीं हो। ओके, आफ्टर डैट हम लूप क्रिएट करने के बाद कंडीशन रख रहा है कब हमारा गेम सर्व होगा, कब हमारा गेम ओवर हो जाएगा तो डिस्प्ले करेगा, इसके लिए हम इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं। सो वी विल राइट इन इफ़ कंडीशन गेम स्टेट इज़ इक्वल टू सर्व, जब हमारा गेम स्टार्ट होगा तो सर्व करना रहेगा। तो सर्व करने के लिए हम कैसे यूज़र को बताएंगे फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट प्रेस स्पेस टू सर्व, जैसे ही हम सर्व करने के लिए प्रेस करेंगे स्पेस को तो फर्स्ट टाइम वो गेम खेलना शुरू करेंगे हम। तो वो किस साइज किस अलाइनमेंट पे दिखाएगा हमको, 150 और 180, ये 150 और 180 क्या चीज़ का वैल्यू है, एक्स और वाई का वैल्यू, यहाँ पर वो टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा हमारा। फिर जब गेम स्टेट ओवर होगा, गेम स्टेट इज इक्वल टू ओवर, मतलब जब गेम हमको ओवर करना रहेगा तो क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा, गेम ओवर एक्सक्लेमेशन मार्क में। फिर वो कहाँ दिखाएगा, 170 और 160 जो हम विड्थ और साइज सेट करते हैं। फिर टेक्स्ट क्या डिस्प्ले करेगा, प्रेस आर टू रीस्टार्ट, ये कहाँ डिस्प्ले करेगा, एक्स का वैल्यू 150 और वाई का वैल्यू 180 पर। तो हम अगर फिर से अगर रीस्टार्ट करना चाहते हैं उस प्ले को, गेम को खेलना चाहते हैं, तो हम क्या क्लिक करेंगे, आर। ओके, और फिर दिखा रहा है इफ़ की डाउन डबल कोड में आर, अगर हमारा यूज़र ने की प्रेस किया आर को तो क्या होगा, गेम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए लूप लगाए हैं इफ़ में, गेम स्टेट इज इक्वल टू सर्व, फिर से गेम स्टार्ट होगा तो हम सर्व करेंगे फिर से तो हम गेम स्टार्ट जब करेंगे तो फिर से सर्व करेगा। कंप्यूटर स्कोर क्या ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, जो भी पहले हम खेले रहेंगे उससे ऑटोमेटिक 0 पर शो करेगा। फिर प्लेयर स्कोर क्या सेट हो जाएगा, 0। अब क्या करते हैं, जब हम बॉल खेल रहे हैं तो बॉल का वेलोसिटी मतलब इस कितने स्पीड से वो जाएगा बॉल इधर उधर, तो उसके लिए हम कोड लिख रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, कोई भी रैंडम वेलोसिटी हम सेट कर देंगे। तो इफ़ कंडीशन में लिख रहे हैं की डाउन, जब भी की को प्रेस कर रहे हैं मतलब जब भी बॉल को हम हिट कर रहे हैं तो स्पेस सेलेक्ट किए, और एम्परसेंट डबल एम्परसेंट यूज़ होता है और के लिए, या फिर गेम स्टेट इज इक्वल टू सर्व, या फिर जब भी हम गेम स्टेट को सर्व कर रहे हैं, गेम को स्टार्ट कर रहे हैं खेलना, तो बॉल डॉट वेलोसिटी एक्स मतलब बॉल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 5, मतलब 5 के स्पीड में बॉल इधर उधर घूमना स्टार्ट होगा। फिर बॉल डॉट वेलोसिटी 5 में सेट कर रहे हैं, और गेम स्टेट क्या हो रहा है, प्ले, मतलब जब वहाँ टेक्स्ट दिखाएगा कि हाँ आप गेम खेल रहे हैं। मेक द यूज़र पैडल मूव विद द माउस, जैसे ही आप माउस को इधर उधर घुमा रहे हैं यूज़र पैडल भी मूव होगा, और उसको क्या हम लिख रहे हैं कोड में, यूज़र पैडल डॉट वाई इज इक्वल टू वर्ल्ड डॉट माउस वाई। तो ये आपका, जैसे ही आप कर्सर मूव कर रहे हैं माउस का, वैसे ही आपका गेम स्टार्ट हो रहा है प्ले होना, बॉल इधर से उधर जा रहा है। अब मेक द बॉल बाउंस ऑफ द यूज़र पैडल, कैसे बॉल बाउंस होगा, इसके लिए हम कोड लिख रहे हैं। तो इसमें क्या है,
इफ बॉल डॉट इज टचिंग, जैसे ही हम बॉल को टच कर रहे हैं यूजर पैडल, तो साउंड एक आता है जिस गेम आप खेल रहे हैं। जब आप गेम सुने होंगे, मैंने चलाया था, तो उसमें एक साउंड आ रहा है। उस साउंड को सेलेक्ट करने के लिए हमको कोड में हिट डॉट MP3 को सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे ही गेम स्टार्ट होके प्ले करेंगे तो वो साउंड सुनाई देगा हमको। जैसे ही हम बॉल हिट करेंगे वो साउंड सुनाई देगा। सो बॉल डॉट एक्स इज इक्वल टू बॉल डॉट एक्स माइनस 5। जैसे ही बॉल इधर एक्स क्या सेट कर रहे हैं, एक्स एक साइज है, एक्स क्या है उसका पोजीशन है, तो वहाँ से -5 होगा, उस पोजीशन से पीछे आएगा वो जब बॉल हिट होगा तो। और बॉल डॉट वेलोसिटी क्या रहेगा, माइनस बॉल डॉट वेलोसिटी एक्स। जब बॉल हिट होगा तो वो टकरा करके किसी वॉल से माइनस में आएगा, वेलोसिटी उसका घटेगा। आफ्टर दैट मेक द बॉल बाउंस ऑफ द कंप्यूटर पैडल। कैसे हम बाउंस ऑफ करते हैं उस बॉल को, इसके लिए कोड लिखेंगे इफ बॉल डॉट इज टचिंग कंप्यूटर पैडल। जैसे कंप्यूटर पैडल क्या है, आपका जो भी उस गेम का स्क्रीन में साइड साइड का बाउंड्री है उसको जैसे ही टच करेगा तो आपको क्या करना है, साउंड एक सुनाई देना है यूजर को जो भी प्ले कर रहा है, गेम खेल रहा है उसको। सो प्ले साउंड हिट डॉट MP3, उसमें भी साउंड आएगा। और बॉल डॉट एक्स को वैसे ही सेट कर देंगे उसका पोजीशन और वेलोसिटी, -5 कर देंगे वेलोसिटी, और बॉल का स्पीड क्या करेंगे, +5। ओके, प्लेस द बॉल बैक इन द सेंटर इफ इट क्रॉसेस द स्क्रीन। इसमें क्या है, जैसे ही आपका स्क्रीन को क्रॉस कर गया है तो बॉल को फिर से सेंटर में रखना है हमको। तो उसके लिए क्या कोड लिख रहा है, इफ़ बॉल डॉट एक्स इज़ ग्रेटर देन 400, और ये जो डबल शो कर रहा है साइन वो क्या है, और का सिंबल है, और बॉल डॉट एक्स लेस देन 0। ये दोनों कंडीशन जब भी आएगा, जब वो विड्थ और हाइट 400 से ज़्यादा हो जाए या फिर 0 से कम हो जाए, मतलब वो क्रॉस कर जाए बाउंड्री को, तो हम क्या करेंगे, एक साउंड सुनाई देगा यूज़र को जो भी गेम प्ले कर रहा है। और बॉल डॉट एक्स जब लेस हो जाए 0 से तो प्ले स्कोर ++। कब हमारा स्कोर होगा उस गेम को खेलने टाइम, जब भी वो बॉल 0 से कम जाएगा और कंप्यूटर का स्कोर भी बढ़ेगा। मतलब अगर 0 से कम रहा है तो प्लेयर स्कोर बढ़ेगा, और अगर नहीं बढ़ रहा है तो एल्स पार्ट में जाके कंप्यूटर स्कोर बढ़ा रहे हैं। तो ये हम सेट करेंगे कैसे, बॉल हिट करने पे स्कोर बढ़ रहा है, किसका कब बढ़ना है, ये सब हम इफ एल्स में यूज़ कर रहे हैं। और फिर से बॉल डॉट एक्स 200 और बॉल डॉट वाई 200। ये एक्स और वाई क्या है, विड्थ और हाइट है, उस बॉल को कहाँ फिर से पोजीशन करना है। और वेलोसिटी क्या करेंगे, 0 डाल देंगे, मतलब उस टाइम वो बॉल रुक जाएगा, जो बाउंस हो रहा था इधर उधर उस टाइम जब स्कोर एक बन गया तो वो रुक जाएगा। सो बॉल डॉट वेलोसिटी एक्स इज इक्वल टू 0, बॉल डॉट वेलोसिटी वाई इज इक्वल टू 0। और गेम स्टेट क्या में आ जाएगा, सर्व में, मतलब जैसे ही एक स्कोर बन गया तो फिर से सर्व करना है उस बॉल को। जैसे आप टेबल टेनिस में देखते हैं, जैसे ही कोई एक स्कोर बनाता है तो फिर से वो बॉल लेके सर्व करता है दूसरा आदमी, तो ऐसे ये गेम प्ले करेंगे। इफ कंप्यूटर स्कोर इज इक्वल टू 5 और प्ले स्कोर इज इक्वल टू 5। इस प्ले में क्या है, इस गेम में क्या है, मैक्सिमम स्कोर हम कितना रख रहे हैं, 5। अगर कोई कंप्यूटर 5 बना ले रहा है या फिर जो भी दूसरा प्लेयर जैसे हम या आप खेल रहे हैं उस गेम को, तो वो अगर 5 बना रहा है तो हम गेम स्टेट को क्या चीज़ में सेट करेंगे, ओवर में, मतलब ये गेम आपका ओवर हो गया, अब आप दूसरा गेम खेलो, या तो रीस्टार्ट करो नहीं तो गेम नहीं खेलो, तो ये आपके चॉइस में है। तो अगर लिखेंगे इफ़ कंप्यूटर स्कोर इज इक्वल टू 5 और प्लेयर स्कोर इज इक्वल टू 5, तो गेम स्टेट इज इक्वल टू ओवर। ओके, एंड
फिर हम क्या लिख रहे हैं, मेक द बॉल बाउंस ऑफ द टॉप एंड बॉटम वॉल्स, कब बॉल बाउंस करेगा? तो हम लिखेंगे इसका कोड, इफ बॉल डॉट इज टचिंग टॉप एज और बॉल डॉट इज टचिंग बॉटम एज, कब वो ड्रॉ हो जा रहा है गेम, जब वो बॉटम या टॉप वॉल को बॉल टच कर लेगा तब हम इस गेम को ड्रॉ कर रहे हैं। तो लिख रहे हैं जब भी टच इज टचिंग, इज टचिंग मतलब बॉल इज टचिंग टॉप एज, या तो टॉप एज नहीं तो बॉटम एज को टच कर लेगा, तो बॉल डॉट बाउंस ऑफ टॉप एज, बॉल डॉट बाउंस ऑफ बॉटम एज। तो बॉल जैसे ही वो कॉर्नर में लगता है, वॉल में लगता है, तो बॉल क्या होता है, बाउंस होता है। तो जब वो बाउंस होगा तो एक टॉप एज में जाएगा, बॉटम एज में जाएगा, और उस टाइम क्या होगा, साउंड प्ले होगा। तो साउंड के लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे वॉल डॉट हिट डॉट MP3। उसके बाद एड AI टू द कंप्यूटर पैडल सो डैट इट ऑलवेज हिट्स द बॉल। उस सेकेंड प्लेयर को जो कि कंप्यूटर है, जो कि हमारे साथ एक कंप्यूटर खेल रहा है, हम दो आदमी तो नहीं खेल रहे हैं, एक कंप्यूटर खेल रहा होता है, एक हम खेल रहे होते, तो उस AI को ऐड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंप्यूटर पैडल डॉट आई इज इक्वल टू बॉल डॉट वाई ड्रॉ स्प्राइट्स फंक्शन। ये फंक्शन सेलेक्ट करके यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने से क्या होगा, आपका दूसरा प्लेयर AI जो कि कंप्यूटर बन जाएगा। सो अभी हमने देखा कैसे ये फुल कोड के साथ वर्क करता है और रन करने पे हमारे गेम को शो करता है।